नमस्कार, आज का वीडियो में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जो हम वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, वो करने वाले हैं जो महिंद्रा की SUV 300 है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको आज डिटेल से बताऊँगा। तो ये एक बेसिक इसका जो लुक है वो है, और मैं इसको एक बार आपको वापस ऑन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो कुछ इस तरह से ऑन होता है ये SUV 300 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इसमें यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है ये यहाँ पे RPM का मीटर शो कर रहा है, और इस RPM के मीटर में यहाँ 8000 RPM तक की रीडिंग दी हुई है। और जबकि नीचे यहाँ पे देखें तो कुछ लाइट्स दी हुई है, जिसमें कि ये बैटरी का इंडिकेटर, ऑयल का इंडिकेटर, और ये स्टेयरिंग लॉक का जो इंडिकेटर है वो, और यहाँ पर जो इंजन माल फंक्शन है उसका इंडिकेटर दिया हुआ है। तो जो राइट साइड वाला है इसके अंदर यहाँ पे स्पीड की लिमिट 220 तक दी हुई है, नीचे एक इंडिकेटर है, और जबकि यहाँ बीच के अंदर जो है सीट बेल्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है। अब जो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके जो बटन है नेविगेशन के, मतलब इसको जो सेट करने के बटन है वो सारे दिए हुए हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो यहाँ पर जो अभी गेट है, लेफ्ट मोस्ट गेट, वहाँ पर जो पैसेंजर साइड का एयरबैग है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच दिया हुआ है। तो उसको इस तरह से घुमाते हैं तब तो ये यहाँ ऑन हो जाता है, और अगर इसको ऑफ़ करना हो तो हम इसको अदर साइड में कर देंगे। तो जब ये ऑन होता है तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसके अंदर, ये देखो ये एयरबैग की लाइट है, तो ये वाली लाइट यहाँ पे देखिए शो कर रही है कि इस समय जो एयरबैग है वो ऑन है। साथ ही यहाँ पर ये हैजार्ड फ्लैशर का स्विच है, और ये दोनों जो सेट और ट्रिप है, तो इस ट्रिप वाले बटन को अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ऊपर देखिए वहाँ पे इस समय ट्रिप भी आ रही है, और नीचे शायद इंजन रन टाइम। इसके अलावा यहाँ पे इस समय इसमें जो पेट्रोल है वो 111 किलोमीटर चलने लायक है, और ये 16.2 का एवरेज शो कर रहा है। लेफ्ट मोस्ट साइड में यहाँ पे ये जो है इंजन का टेम्परेचर शो कर रहा है, और राइट के अंदर जो इसमें अभी फ्यूल है उसकी जो लेवल है वो शो कर रहा है, और जबकि बीच के अंदर यहाँ पर अभी जो इसकी टोटल किलोमीटर है वो शो कर रहा है। ट्रिप वाले बटन को मैं और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो अभी टाइम और जो इसका टेम्परेचर है वो शो कर रहा है। एक बार और प्रेस करने पे ये ILL6 लिखा आ रहा है, ये यहाँ पे ब्राइटनेस का लेवल है। तो इसको सेट करने के लिए मैं इस सेट बटन को दबाऊँगा। सेट बटन को दबाने पर जो ये, तो ये ब्राइटनेस का लेवल यहाँ पर हम सेट बटन से, इसमें 6 लेवल हैं, तो ये देखिए एक पे कम हो गई है, और इसको मैं वापस 6 पे सेट कर देता हूँ। ये जो बटन है यहाँ पे ये मोड का है, ये आपको गाड़ी किस मोड पे चलानी है, तो आप अभी इसमें ऊपर देख सकते हैं इस जगह यहाँ पे अभी ये गाड़ी कंफर्ट मोड पे है। अब मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो गाड़ी मोड चेंज करके नॉर्मल मोड में आ गई है, और एक बार और करता हूँ तो स्पोर्ट मोड में आ गई है, तो मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल मोड में रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो ये है, ये डिफोग करने के लिए जो ग्लास पे एयर जाती है उसका बटन है, यहाँ पे अंदर की हवा सर्कुलेट करने का, ये जो बाकी जो नॉर्मल बटन होते हैं वो सारे हैं। इसके अलावा जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर देखिए, जैसे ही मैं गेट ओपन करता हूँ तो यहाँ देखिए ये जो है इंडिकेटर शो कर रहा है कि समय राइट का गेट ओपन है। इसी तरह से जो चारों गेट हैं, चारों गेट का साइन इसमें आता है। इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर है कि इसमें आपको जो आगे के फ्रंट के टायर हैं SUV 300 के अंदर, तो उनकी आपको पोजीशन बताता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। इसके लिए मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक बार गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देखिए, जैसे अब स्टेयरिंग घुमा हुआ है तो यहाँ पे देखिए, तो इस समय टायर की पोजीशन बता रहा है कि ये राइट में है, और अगर मैं इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा तो देखिए मैंने घुमाने के बाद ये वाकई फ्रंट में आ गया है। सेम ऐसे ही राइट के रहेगा, राइट में घुमाते हैं तो देखिए अभी टायर की कंडीशन राइट में आ गई है। इसको वापस सेंटर में करेंगे तो दैट्स, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इसके अलावा जो इसका जो स्टीयरिंग है उसमें टिल्ट का फीचर भी आता है। उसके लिए जो स्टीयरिंग है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है, इस लीवर को अगर आप नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए जो पूरा स्टीयरिंग है, आप इसको आप ऊपर नीचे देख कर सकते हो। ठीक है, इसको वापस सेट करने के लिए इसको ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा का बटन दिया हुआ है, यहाँ फ़ोन कॉल उठाने का, फ़ोन कॉल को म्यूट करने का,
और जो मोड हैं वो चेंज करने के बटन दिए हुए हैं, जो कि FM के मोड हैं वो चेंज करने का बटन दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड पे यहाँ पे चारों पावर विंडो के बटन दिए हुए हैं, साथ में ये जो मिरर है इसको एडजस्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है। नीचे की साइड यहाँ देखें तो ये है आगे का बोनेट खोलने का बटन, यहाँ दिया हुआ है, और जो फ्यूज़ कंपार्टमेंट है वो पूरा इस साइड है। इसके अलावा नीचे की साइड यहाँ पे USB कंपार्टमेंट, 12 वोल्ट का जो पावर अडेप्टर है वो, यहाँ पे ऑक्स केबल, और यहाँ पे ऊपर की साइड ये जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। स्टीयरिंग के लेफ्ट के अंदर यहाँ पे आपको जो वाइपर के लिए स्टैंडर्ड जो मिलता है उसी टाइप का है, जिसमें आप वाइपर की स्पीड हाई, लो और मीडियम ये सभी सेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये डिपर का, तो सेम वही सिचुएशन रहती है वो ऊपर करके डिपर देने का और बाकी राइट लेफ्ट इंडिकेटर का। तो कुल मिला के छोटी सी कोशिश थी आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की और थोड़ा बहुत इंटीरियर दिखाने का SUV 300W6 का। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, बहुत जल्दी इस SUV 300 से रिलेटेड और भी वीडियो आएंगे, तो चैनल पर आप बने रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टिल देन बाय।